नमस्कार तो आज के वीडियो की शुरुआत इस ट्वीट के साथ जिस पर मेरी सुबह सुबह नजर गई ये आकाश आनंद का ट्वीट है जिसमें वो मायावती को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि आपके संघर्षों की वजह से हमारे समाज को राजनीतिक ताकत मिली जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया आप हमारी सर्वमान्य ने नेता है आपका आदेश सिर माथे पर भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा जय भीम जय भारत तो आकाश आनंद बड़ी ही सधी हुई भाषा में मायावती को एड्रेस करते हुए ये ट्वीट लिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले उनकी बुआ और पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए एक ट्वीट किया और उनसे अहम जिम्मेदारियां वापस ले ली उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे पार्टी के लेकिन इस बीच मायावती को आखिर ऐसा क्या नागवार गुजरा जिसके बाद उन्हें ये फैसला लेना पड़ा ये तो आप लगातार खबरों में देख ही रहे हैं लेकिन आज मैं आपके सामने एक दूसरा पक्ष बी की राजनीति का मायावती की राजनीति का इस वीडियो के जरिए लाने वाली कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था क्या बहन जी ने बीजेपी विरोधियों की सुपारी ली हुई है यह वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार देखिएगा जरूर सवाल यह था कि क्या मायावती की बीजेपी के साथ कुछ सेटिंग हो गई है और उस वीडियो पर बी के जो सपोर्टर्स हैं मायावती जी को चाहने वाले हैं उन्होंने उनको बड़ा बुरा लगा था उन्होंने भर भर के कमेंट्स किए थे और वीडियो में कही गई बात को लेकर नाराजगी जताई आपकी नाराजगी सिर माथे पर आप मेरे दर्शक हैं मायावती जी के समर्थक हो सकते हैं लेकिन देखिए जो बात मैं पिछले कई दिन से कह रही थी अब लगभग वैसा ही देखने को मिला है मायावती ने अपने भतीजे और अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पलक झपकते ही जमीन पर लापट था अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आकाश आनंद को मायावती ने बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था उनसे वो पद छीन लिया उत्तराधिकारी घोषित किया था अब वो दायित्व भी आकाश से ले लिया गया कुल मिलाकर आकाश आनंद को मायावती ने पैदल कर दिया है मायावती का ये ट्वीट ही अपने आप में सारी कहानी बता रहा है लेकिन मायावती ने ऐसा क्यों किया भाई ऐसी क्या इमरजेंसी थी क्या आप जानते हैं कि जब तक आकाश आनंद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ आग उगल रहे थे लगातार रैलियों के दौरान हमले कर रहे थे तब तक मायावती खुश हो रही होंगी तब तक उन्हें लगा होगा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं पता नहीं आप कौन सा कॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोसते कोसते आकाश आनंद बीजेपी पर भी तंज कसने लगे बीजेपी के खिलाफ बेहद तल्ख लहजे में बोलने लगे मायावती के भतीजे बीजेपी के खिलाफ लाउड हो गए तो आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो को खटकने लगे और निर्णायक फैसले के लिए आधार बना आकाश आकाश आनंद का सीतापुर की रैली में दिया गया ये भाषण भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं यह आतंकवादियों की सरकार है अपने आवाम को गुलाम बनाकर रखा है ऐसी सरकार सरकार का का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का यूपी के सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ बुरा भला कह दिया था इसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया इसके बाद मायावती ने अपने भतीजे और अपनी पार्टी बीएसपी के स्टार प्रचारक की बोलती बंद कर दी उनकी रैलियां रद्द कर दी गई मायावती को अपने भतीजे का ये अंदाज शायद इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कदम उठा लिया वरना उससे पहले तक आकाश आनंद बीजेपी के नए फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर रहे थे मीडिया में उनकी चर्चा थी लोग इंटरव्यूज के लिए उनके पीछे दौड़ रहे थे रैलियों में वो छाए हुए थे बड़े बड़े चैनल वाले उनके पीछे भाग रहे थे इंटरव्यूज में वो दहाड़ रहे थे आकाश आनंद तूफानी भाषण दिए जा रहे थे और मीडिया की लगातार हेडलाइंस में मौजूद थे लगभग वो सब कुछ हो रहा था जो शायद ही इससे पहले मायावती के अलावा बीएसपी के किसी और लीडर को मिला हो आपके सामने लाल टोपी पहन के भी कुछ लोग आएंगे जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था आज उसी जब उस समाज पे पीड़ा होती है जब उस समाज पे अत्याचार होता है तो ये अपनी चुप्पी साधे बैठे रहते लेकिन 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली के बाद ये आवाज चुनावी रैलियों में सुनाई नहीं दी अचानक सब कुछ बंद हो गया पिन ड्रॉप साइलेंस सन्नाटा हालांकि बीएसपी बे का कम्युनिकेशन वाला मामला इतना रहस्यमयी है कि तब कोई ये पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है खबरें बता रही हैं कि ये बात शायद मायावती को पसंद नहीं आई आकाश आनंद के तेवर पसंद नहीं आए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ तो आकाश का तेवर रास आ रहा था वो जो कुछ भी बोल रहे थे लेकिन जैसे ही आकाश आनंद ने अपने तर्कश से जो तीर निकाले वो बीजेपी की तरफ छोड़ने शुरू कर दिए तो बहन जी को वो चुनने लगे लिहाजा उन्हें भतीजे आकाश आनंद को चुप रहने को कहना पड़ा वरना तो मुकदमा दर्ज होने से आकाश आनंद का क्या ही बिगड़ जाता राजनीति में है तो केसेस तो आपके ऊपर होते ही रहते हैं कोई नई बात तो है नहीं इससे क्या डरना लेकिन अब जब मायावती ने बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाले अपने भतीजे आकाश आनंद की छुट्टी कर दी तो जाकर पूरा माजरा समझ में आया इससे पहले मायावती के पॉलिटिकल गेम प्लान के संकेत तब मिलने लगे थे जब उन्होंने यूपी के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, की। मायावती ने सबसे ज्यादा तेईस मुस्लिम कैंडिडेट उतारे पांच यादवों को भी मायावती ने टिकट दिया इससे यह संदेश गया कि कहीं मायावती यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का खेल तो नहीं बिगाड़ना चाहती क्योंकि मुस्लिम और यादव वोट तो आमतौर पर समाजवादी पार्टी के ही वोटर माने जाते हैं और यही नहीं जौनपुर लोकसभा सीट पर भी बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला से रहस्यमय तरीके से टिकट वापस लेने पर भी सवाल उठ रहे हैं हालांकि उसके पीछे जब थ्योरीज का जिक्र आता है तो सबके पास अपने अपने थ्योरी हैं उस पर देने के लिए सच लेकिन कौन सी वाली बात है यह बता पाना मुश्किल है लेकिन जानकार बता रहे हैं कि मायावती के इस फैसले के बाद जौनपुर सीट पर बीजेपी फाइट में आ गई है जबकि पहले उसे तीसरे नंबर पर बताया जा रहा था तो क्या मायावती ने अखिलेश यादव का खेल खराब करके बीजेपी की राह आसान करने की बिसात बिछाई है ऐसा नहीं है कि यह चर्चा कुछ खास तबकों तक ही सीमित है अखिलेश यादव भी मायावती का गेम प्लान भाप गए और इसीलिए उन्होंने मौका ताड़कर वोटर्स से कह दिया कि बी को वोट देकर अपना वोट खराब मत करना मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से जिम्मेदारी छीनने की जो वजह बताई है वो आकाश आनंद को लंबे समय तक बेचैन करती रहेगी मायावती ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पूर्ण परिपक्वता यानी मिच्योरिटी आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है अब अगर कोई उल्टा इस पर सवाल पूछ ले तो भाई मेच्योरिटी का कोई पैमाना तो होता नहीं है या कोई कट ऑफ डेट तो होती नहीं है मेच्योरिटी तो एक सुविधाजनक शब्द है आकाश आनंद उन्तीस साल के हैं विदेश में पढ़े हैं पिछले 10 दिसंबर को ही मायावती उन्होंने अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था इसके बाद आकाश आनंद बी को पुराने तेवर देने की कोशिश में जुटे हुए थे और चर्चा थी पॉलिटिक्स में आप कुछ भी कहिए लेकिन अगर आप हेडलाइंस में हैं तो इसका मतलब कुछ दम तो है मायावती के एक दाव ने आकाश को गुमनामी के पाताल लोक में लेकिन पहुंचा दिया शायद आकाश को इस बात का इल्म नहीं रहा कि उनकी बुआ जी यानी मायावती ऊपरी लेवल पर कोई और ही गेम खेल रही हैं। लेकिन सवाल यह है जो यहां से उठता है कि बीएसपी का इससे आगे भविष्य क्या है क्योंकि इससे पहले की वीडियो में भी लगातार मैंने ये सवाल उठाया है कि ये चुनाव बीजे बी के लिए आगे की राजनीति की रूपरेखा तय करेगी अस्तित्व का सवाल जो है वो यहां पर बीएसपी के लिए तैयार है और उस अस्तित्व के सवाल में आकाश कम से कम एक उभरती हुई किरण के रूप में दिखाई दे रहे थे जिन्हें फिर से गर्त की तरफ धकेल दिया गया है तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है इस पोलिटिकल डेवलपमेंट पर जरूर हमें फीडबैक में बताइएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद न्यूज बीट्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन लाइक सब्सक्राइब शेयर थैंक यू वेरी मच